ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्री रुद्र संहिता का 13वां अध्याय, शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूँ। यह विधि समस्त अभीष्ट तथा सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा, पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करे, दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रार्थना करे, हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता, आपकी प्रेरणा से ही कार्य करता हूँ। फिर गुरुचरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर सोच आदि से निवृत्त हों, मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करें, दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातून करें तथा 16 बार जल की अंजलियों से मुंह को धोएं। यह कार्य सूर्योदय से पूर्व ही करें। हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन दातून न करें। नदी अथवा घर मैं समय से स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल से स्नान न करें। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगाएं। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है, उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं होता। सरसों के तेल को ग्रहण करने के दिन प्रयोग में न लाएं। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। स्नान के उपरांत स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्र को धारण करें। दूसरों के पहने हुए अथवा रात में सोते समय पहने वस्त्रों को बिना धुले धारण न करें। स्नान के बाद पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करें। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करें और आचमन करें। पूजा हेतु स्थान को गोबर आदि से लीप कर शुद्ध करें। वहां लकड़ी के आसन की व्यवस्था करें। ऐसा आसन अभीष्ट फल देने वाला होता है। उस आसन पर बिछाने के लिए मृग अर्थात हिरण की खाल की व्यवस्था करें। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करें। पूजा सामग्री को एकत्र करें। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखें। फिर गुरु की आज्ञा लेकर और उनका ध्यान करते हुए सब परिवार शिव का पूजन करें। विघ्न विनाशक गणेश जी का बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करें। ओम गणपतये नमः का जाप करके उन्हें नमस्कार करें तथा क्षमा याचना करें। कार्तिकेय एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करें तथा उन्हें बारंबार नमस्कार करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। तत्पश्चात भगवती देवी की पूजा करें। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य से शिवजी का पूजन करें। प्रेम पूर्वक नमस्कार करें। अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य किसी धातु का शिव की प्रतिमा बनाएं। भक्ति पूर्वक शिव की पूजा कर उन्हें नमस्कार करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें तथा उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। अर्घ पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शांत मन से पूर्ण श्रद्धावनत होकर महादेव जी का आवाहन इस प्रकार करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति हैं, जिनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजित हैं, जिनके 5 मुख 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र हैं, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए, जिनका रंग कपूर के समान, जो बाघ की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वाशुक नामक नाग लिपटा है, जो सभी मनुष्यों को शरण देते हैं और सभी भक्तगण जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेद और शास्त्रों में गुणगान किया गया है, ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले तथा भक्त वत्सल हैं, ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार आवाहन करने के पश्चात उनका आसन स्थापित करें। आसन के बाद शिव जी को पाद्य और अर्घ दें।
पंचामृत के द्रव्यों द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं तथा मंत्रों सहित द्रव्य अर्पित करें। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप करें तथा सुगंधित जलधारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन कर जल दें और वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं। शिव जी के प्रत्येक मुख पर कमल, तत्पत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र समर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गूगल और अगरु की धूप दें, घी का दीपक जलाएं। प्रभो शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए और भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। यह कहकर अर्घ अर्पित करें, नैवेद्य व तांबूल अर्पित करें, 5 बत्ती की आरती करें, 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात शिव जी की परिक्रमा करें। हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं, मेरा मन सदा आपका ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभो, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उनके लिए आप ही शरणदाता हैं। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करें तथा पुनः भगवान शिव को नमस्कार करें। देवेश्वर प्रभो, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें तथा जब पूजा का समय हो तब पुनः यहाँ पधारें। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर लगाएं। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपा कर शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया जिसे सुनकर हम कृतार्थ हो गए। इस प्रकार यह 13वां अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव।